बांधे मजहर अली रजा से। मजहर, कैसा रहा नुमाइश का दूसरा दिन? कराची एक्सपो सेंटर में ऑयल एंड गैस एग्जीबिशन का आज दूसरा रोज भी अपने अख्तिताम को है। आज दूसरे रोज भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो विजिटर्स थे वो आए थे, खासकर जो स्कूल्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने स्टॉल्स को विजिट किया था। आज ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जो स्पीकर थे उनमें भारत से आए हुए जो स्पीकर थे उन्होंने भी खिताब किया। कल जो है, कल आखिरी रोज़ है इस कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का, और कल जो है वो नुमाइश के साथ साथ एक ऑयल एंड गैस जो है वो कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें मुख्तलिफ जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो शिरकत करेंगे और जो शुरका होंगे उनको पाकिस्तान में जो तवानाई के मसाइल हैं और जो उनका हल है उससे आगाह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त यहाँ पे हो गया है, तकरीबन जो स्टॉल्स जो हैं वो अब तकरीबन वाइंड अप होने को हैं। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों को, हमने जो मालूम किया जो एग्जीबिटर्स आए थे जब उनसे मालूम किया कि किस तरह का रिस्पांस मिला तो उनका यही कहना था कि आज जो है काफ़ी इनको अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए थे जो बायर्स थे वो काफ़ी यहाँ पर आए थे, एक्सचेंज ऑफ कार्ड्स हुआ, इसके अलावा बिज़नेस भी कुछ यहाँ पर जो है वो हो रहा है और लोग काफ़ी पुरुमीद हैं कि इस तरह की जो एग्जीबिशन हैं इनसे ना सिर्फ जो जो यहाँ पर मुल्क आते हैं उनके ताल्लुक पाकिस्तान से अच्छे होंगे बल्कि जो बिज़नेस मैन हैं उनके ताल्लुक भी अच्छे होंगे और मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है उसमें भी।